नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, आज के इस फ्लूट लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नया फ्लूट लेसन लेके आए हैं, जिनमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर की हमसे ये रिक्वेस्ट थी कि हमारी फ्लूट में लर्निंग तो सही हो रही है, पर हमारी अंगुलियां ठीक से काम नहीं कर रही है। अंगुलियां ब्लोविंग ठीक से हो रही है, स्वर ठीक से निकल रहा है, पर अंगुलियों की स्पीड अभी भी धीमी है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको अपनी फ्लूट की में अंगुलियों की स्पीड को किस तरह तेज करें, इसी के बारे में बताएंगे। मित्रों, आज के इस प्रैक्टिस को अगर आप लगातार 7 दिन तक करते हैं तो आपकी अंगुलियों की स्पीड 100% से भी अधिक ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मित्रों, इस रियाज को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल में कोई भी मेट्रोनम ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसकी स्पीड कम से कम 100 पर रखनी है। 100 की स्पीड में आपको पर एक बीट पर अपनी एक फिंगर को उठाना है और रखते जाना है, बिना सुर बांसुरी से लगाए। क्योंकि अगर हम बांसुरी से सुर लगा के उसकी बीट को उठाते हैं तो हम एक साथ दोनों काम करने में वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अभी बिना सुर लगाए केवल अपने मुंह पर ऐसे बांसुरी रखना है और पर एक बीट पर अपनी एक उंगली उठाना है। जितने भी आप 100 की स्पीड में करोगे, फिर 200 की स्पीड में करोगे, फिर 150, 250, 300, ऐसे ऐसे आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो इससे आपकी उंगलियों की स्पीड बहुत अधिक फास्ट हो जाएगी और ये आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का यही कहना था। तो मित्रों, इस प्रैक्टिस को अगर आप लगातार 7 दिन तक भी करते हैं तो आपकी उंगलियों की स्पीड बढ़ जाएगी। और मित्रों, दूसरी आपको उंगलियों की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपनी दोनों हाथ की उंगलियों को ऐसे कर लेना है और ऐसे अपनी उंगलियों को हिलाकर प्रैक्टिस करना है। जब भी आप रियाज करने बैठे तो 1-2 मिनट कम से कम अपनी उंगलियों को ऐसे हिला लो, जिससे कि यहाँ पर हमारा जो जॉइंट होता है वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी हमारी उंगलियों को मिल जाएगी, जिससे कि हमारी बांसुरी पर उंगलियों एकदम स्मूथ चलेगी। अगर आप ऐसे उंगलियों को हिलाते हो तो यहाँ पर जॉइंट में हमारी लचकता आ जाएगी, जिससे कि उंगलियाँ और ज़्यादा फास्ट से हमारी चलेगी। और तीसरी बात मित्रों, जब भी आप बांसुरी पर अपनी उंगलियों से रखते हो तो उंगलियों को जल्दी जल्दी ऐसे एक बार रखने की कोशिश करो। जब भी आप बांसुरी से बजाओ तो कोई भी एक स्वर को पकड़ लो, जैसे कि मैं अभी आपको 5 स्वर पकड़ के बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सभी 5 से लेकर 7 तक करना है, 7 से लेकर 5 तक करना है, ऐसे ही आपको करना है। आपको क्या करना है, एक स्वर को लॉन्ग नोट ले लेना और जल्दी जल्दी उंगली को टैप करना है। जितना ज़्यादा आप जल्दी टैप कर सकते हो उतना ज़्यादा जल्दी टैप करो, इससे कि क्या होगा कि आपकी उंगली की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक नई प्रैक्टिस, नया रियाज लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलते हैं, जय श्री कृष्णा।